हाँ तो भाई साहब, ये उस टाइम की बात है जब सब लोग न्यू ईयर और क्रिसमस को बनाने के लिए कोई घर पे पार्टी कर रहा है, तो कोई क्लब पे पार्टी कर रहा है, कोई केक काट रहा है, तो कोई यहाँ पिकनिक कर रहा है, वहाँ कर रहा है, पर हम तो ठहरे घुमक कर, जो हमें 2021 को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि कोविड के चलते कुछ नहीं कर पाए। तो हम और मेरा एक दोस्त निकल पड़े एक छोटी सी ट्रिप पे, तो इस ट्रिप का आनंद ले। बहुत छोटी छोटी क्लिप्स है बट शायद मज़ा ही आएगा आपको मेरे काम से। तो मिलते रहते हैं बीच बीच में, और तब तक इस वीडियो का आनंद लें। तो सुप्रभात मेरे दोस्तों, तो आज का दिन हमारा स्टेशन शुरू होता है। आज हम कहीं जा रहे हैं वो धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आती है फिर आपसे मुलाकात कहीं और पे करते हैं। तो हम ट्रेन के इंजन पे बैठ के जा रहे थे, तो डायरेक्ट अब मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे। हाँ तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं हावड़ा। उसके बाद हम पहुंचे द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। हाँ तो भाई साहब, हम लोग यहाँ पे कोलकाता पहुँच चुके हैं घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पे हम लोग रूम लेके रह चुके थे। इस रूम का प्राइस नॉर्मल ही है, जैसे कि 500-600 जितना भी लगा लो। मैं टूर भी दे देता हूँ। ये यहाँ पे गेट और ये रहा बाथरूम, थोड़ा कंजेस्टेड है बट ठीक ही ठाक है इस प्राइस में। और ये डबल बेड, एसी नॉन एसी दोनों, और यहाँ पे मिरर जिसमें हम लोग दोनों हैं, और यहाँ पे छोटा मोटा टीवी भी है। तो इस रूम का प्राइस ज़्यादा नहीं, 600 रुपये पड़ा है। और फिर चलिए अब मिलते हैं बाहर में हम लोग। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। ये खा रहे हैं हम लोग लच्छा पराठा, नहीं छोले भटूरे, लच्छा पराठा उधर बन रहा। थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ तो भाई साहब, अभी हम लोग एक चर्च आए थे, कोलकाता का फेमस चर्च जो कि सेंट पॉल कैथेड्रल्स, या पता नहीं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, पर अच्छा चर्च था, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर में फोटोग्राफी मना था, पर हम तो हैं झारखंडी ठहरे तो इसे चोरी छुपे तो ज़रूर करना था। तो जो जो किए हैं उसके आपको दिखाते हैं, और फिर आगे जाके क्या क्या कहाँ कहाँ घूमते वो सब देखिएगा, ठीक है? तब तक ये क्लिप देखिए। फिर विक्टोरिया मेमोरियल था, तो वहाँ पे जाना तो बनता ही था, और वहाँ का सीन क्या ही जबरदस्त और टाइट था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें, भीड़ तो भाई सब बहुत ज़्यादा पर मज़ा भी उतना ही ज़्यादा। तो देखिए इसको। यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, और यहाँ पे हमारे ग्रीस जी जो लाइन पे लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। ग्रीस यहाँ पे लाइन पे टिकट लेने के लिए।
फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि था इंडियन म्यूजियम। तो भाई साहब यहाँ पे हमारा डे 1 ख़त्म होता है और डे 2 का वीडियो अगले वीडियो पे मिलेगा, वो भी जल्दी डालूंगा। तब तक के लिए थोड़े शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब करवा दो दोस्तों से, 500 सब्सक्राइबर करा दो तो मैं जल्दी डालूंगा और ऐसे ही वीडियो लगातार डालता रहूँगा। तब तक के लिए प्लीज़।